हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं फास्ट व्लॉग्स वर्ल्ड व्लॉग के अंदर वेलकम हो गया आप सबको। तो आज का मेरा न्यू व्लॉग एपिसोड नंबर 13 एक मशहूर और कदीम दरबार से है, जो मैंने आपको रिसेंट व्लॉग में भी तो बताया था कि जो मैंने लास्ट टाइम जो रिसेंट व्लॉग में आपको दरबार दिखाई थी, ये उनके वालिद साहब की दरबार है, हज़रत मूसा पाक शहीद। माशाल्लाह बहुत कदीम हस्ती हैं ये। आज मैं इनको अंदर से भी आपको सारा इनका जो है सारा दिखाऊंगा दरबार, और इसके अलावा इनकी बातें वगैरह, जो इनकी पैदाइश वगैरह, जो इनके सन हिजरी जो जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ आज सारी। तो अंदर जाके वहीं पे मिलता हूँ मैं आपको। असल घर सब अंदर सर रहे हैं, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। इसी दरबार के एंट्रेंस है, दरबार का तारुफ भी करवाता हूँ मैं सारा आपको। ये जो कबूर वगैरह बनी हुई है सारे मखदूमीन और उनके वर्षा और जो इनके रिश्तेदार वगैरह मूसा पाक शहीद के, उनके बनी हुई है। ये देखें इस साइड पे भी बनी हुई। असल बस इनकी पैदाइश 952 ईस्वी में हुई थी और ये मुल्तान में तकरीबन 10 ईस्वी के बाद आए थे, और इनके वालिद साहब हज़रत हामिद खानबख्श गिलानी साहब वो इनके वालिद हैं। उनकी भी कबर यहाँ पे पता नहीं है या नहीं, मैं देखता हूँ। और जो अब मूसा पाक शहीद का जो मकबरा है, जो कबर है, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ अंदर से। तो अंदर चलते हैं। ये जी सारे इनके वर्षा वगैरह, इनके मखदूमीन और इनकी कब्रें वगैरह, ये सारे कबूर उनके बने हुए हैं। ये है जी हज़रत मूसा पाक शहीद की कब्र, और इनके साहबजादे अली जान की भी कब्र इधर ही है, और इनके साथ ही एक और कब्र भी है, वो भी इनके कुछ लगते हैं, उनका मुझे सही से नहीं पता, वो भी बहुत करीबी इनके बंदे हैं, शमशीर पता नहीं ऐसे कोई नाम है इनका। असल भाई फातिह खानी भी पढ़ लेते हैं यहाँ। माशाल्लाह बड़े अरसे बाद यहाँ आया हूँ, पहले भी आता रहता हूँ अक्सर, आज बड़े अरसे बाद आया हूँ। तो फातिह खानी पढ़ लेते हैं, और दरबार भी आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ दरबार की भी। तो पहले फातिह खानी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बाकी दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये दरबार का बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है इनकी कब्र के ऊपर, ये लकड़ी का माशाल्लाह बहुत फन का मुजाहरा हुआ है कब्र के लकड़ी का ऊपर जो काम हुआ हुआ है सारा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम हुआ हुआ है और बहुत महंगा काम हुआ हुआ है। और इसके अलावा यह नक्श नगार जो बनी हुई है, ये टॉम के ऊपर भी आपको नज़र आ रही होगी सारी, थोड़ी सी जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें बाकी भी यहाँ पे शेर व शायरी वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पे इनकी सल्तनत की कहानियाँ वगैरह लिखी हुई हैं सारी। इतना टाइम अगर मेरे पास हो तो मैं आपको 21 दिन सारी ये भी दिखाऊं पढ़ के। बस तो गैस ये जो दरवाज़ा है, ये इनकी बीबियाँ जो हैं माशाल्लाह से, उनका आगे कब्र वगैरह, यहाँ पे सारे रिश्तेदार जो हैं उनकी कब्रें बनी हुई हैं अंदर। तो यहाँ पे अंदर पर्दा है, ऐसे गैर तल का लोग अंदर नहीं जा सकते, जो इनके ख़ानदान से हैं, जो इनके लड़ी से हैं, ये वही जाते हैं अंदर। सिर्फ ये वो दरवाज़ा है, अब मैं अंदर से आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि पर्दे का इशू है यहाँ। असल तो भाई सर मैं बाहर से आ रहा हूँ, बाहर से भी आपको इनको व्यूज और दिखा देता हूँ। और इसके अलावा इनका जो मुसाफिर खाना है वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर सामने ही मौजूद है मुसाफिर खाना, तो उधर चलते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। असल तो भाई ये थे हज़रत मूसा पाक शहीद, इनका ताल्लुक हज़रत गौस पाक से है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका मुसाफिर खाना, जो मुसाफिरों के लिए बनाया गया था, मुसाफिरों को वहाँ खाना वगैरह रिहाइश वगैरह दी जाती थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहीं पे चलते हैं, वहीं जाकर मैं आपको मिलता हूँ। अच्छा तो कल इस टाइम मौजूद मुसाफिर खाना के बाहर, तो ये देखिए ये है सारा मुसाफिर खाना, माशाल्लाह बहुत बड़ा मुसाफिर खाना बनाया हुआ है। अब तो ये बंद कर दिया है, तो ये ताले वगैरह यहाँ लगे हुए हैं, छोटी छोटी दुकानें वगैरह यहाँ बनाई हुई हैं, और ये साथ ही सराफा बाज़ार के मौजूद है। इसको बाहर से भी आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, जो सराफा बाज़ार बाहर है, ये देखो तो काफ़ी रेनोवेट कर दिया इन्होंने, ये देखें सारा। ये देखें जी,
अच्छा तो गाइस ये मुसाफिर खाना वाल सिटी मुल्तान के प्रोजेक्ट के तहत रेनोवेट किया गया। ये देखें सारा ये पहले से बेहतर कर दिया गया है। ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा, रेनोवेशन हुई हुई है सारी इसकी। ये देखें वो एंड तक वो आगे तक जा रहा है। ऊपर से तो सारा बंद किया हुआ है, अभी फ़िलहाल ऊपर जा नहीं सकता मैं। अगर रास्ता होता या खुला हुआ होता तो ऊपर से भी मैं आपको दिखा देता। ये अंदर का इसका मंजर भी सही तरह फिर से देख लें आप। ये देखें जी, ये इसके ऊपर छत है लकड़ी की बनी हुई है। रोशनी नहीं है यहाँ, रोशनी का थोड़ा सा इशू है। अच्छा तो गाइस ये पा गेट के साथ तकरीबन 200 गज़ अंदर मौजूद है, 200 गज़ के फासले पर मौजूद है। और माशाल्लाह से ये इनका बहुत सिलसिला नस्ल बहुत अच्छा था और ये मुल्तान की अजीम हस्ती थी। इन्हीं की वजह से यहाँ मुल्तान में दीन इस्लाम फैला, इन्होंने दीन इस्लाम की बहुत तबलीग की हज़रत मूसा पाक ने माशाल्लाह से। और इन्हीं की वजह से आज इस्लाम मुल्तान में बहुत बेहतर और तरक्की की तरफ आया। हिंदू वगैरह जो यहाँ पे रहते थे उनको मुसलमान वगैरह की, इस्लाम की तबलीग की इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया। और आज इसीलिए ये जाने जाते हैं, इसी वजह से ये मशहूर हैं बहुत। और यही इनकी हिस्ट्री थी, यही इनका सारा मज़ार था, ये इनका सारा मुसाफिर खाना था जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा तो गाइस माशाल्लाह से ये देखें सामने कितनी प्यारी मस्जिद बनी हुई है दरबार के साथ ही, बहुत ही पुरानी और ये बहुत कदीम मस्जिद है, छोटी ईंटों की और तब से बनी हुई है। इसी थोड़ी बहुत रेनोवेशन भी इन्होंने बाहर से रंग वगैरह करके और थोड़ी सी इसको किया हुआ। अंदर से मैं आपको भी दिखा देता हूँ ये मस्जिद थोड़ी सी। ये देखें सामने सामने सारा आपको नज़र आ रहा होगा मस्जिद का हिस्सा। असल गाइस यहाँ के अब दो गद्दी निशीन है, एक वलायत मुस्तफ़ा जो यहाँ पे इस गद्दी पे बैठते हैं और एक हैं अबुल हसन वो इस गद्दी पे बैठते हैं। माशाल्लाह से दोनों ही बहुत अच्छे मखदूम हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं अब चलता हूँ आगे, व्लॉग का भी एंड करते हैं फिर। असल गाइस आज का व्लॉग एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, ओका फिर।